फ्रेंड्स, क्या आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस में शिपिंग कॉस्ट को लेकर परेशान हैं और एक्सपोर्ट करने पर शिपिंग की कॉस्ट को कम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका सारा प्रॉफिट शिपिंग कॉस्ट में चला जाता है। आपके जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम ऑर्डर मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग लगभग खत्म हो जाती है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एक नए एक्सपोर्टर हैं, अभी अपने बिजनेस की इनिशियल स्टेज में हैं और अपने लिए बायर फाइंड कर रहे हैं, या फिर आपका बायर कन्वर्ट हो गया है और उसको आप प्राइस देते हैं, तो कई बार आप देखते हैं कि आपके पास लीड्स तो आती हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाती। फ्रेंड्स, उसके पीछे शिपिंग कॉस्ट एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, बिकॉज जब आप अपने बायर को टोटल प्राइस बताते हो, फाइनल प्राइस बताते हो, तो उसमें आप शिपिंग कॉस्ट को इंक्लूड करके बताते हो। अगर ये शिपिंग कॉस्ट ज्यादा होगी तो बायर आपको ऑर्डर देने में हिचकिचाएंगे, आपको ऑर्डर नहीं देंगे, बिकॉज सेम प्राइस, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट जो आपका कॉम्पिटिटर है आपसे कम प्राइस में वो प्रोवाइड कराना है। तो फ्रेंड्स, किस तरह से आप इस शिपिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं, बिकॉज शिपिंग कॉस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में बहुत बड़ा एलिमेंट है। अगर आप शिपिंग कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाए तो आपका सारा प्रॉफिट तो जाएगा जाएगा फ्रेंड्स, उसके अलावा आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को ग्रो भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके पास लीड्स तो आएंगे लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होंगी आपकी एक्सपोर्ट सेल में। तो फ्रेंड्स, क्या वो तरीके हैं, क्या वो मेथड्स हैं जिनको यूज करके आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस में जो आपकी शिपिंग कॉस्ट है उसे कम कर सकते हैं और अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एक्जिम विद्या पर, जिसके माध्यम से हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रो करने में और लीगल कंप्लायंसेस में। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते आगे और जानते हैं वो टॉप 5 टिप्स, वो टॉप 5 तरीके जिनको यूज करके आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में अपने लिए शिपिंग कॉस्ट को काफी हद तक कम कर सकते हैं और अपने लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए चलते आगे और जानते हैं शिपिंग कॉस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, जिसका नाम है वेट एंड डाइमेंशंस। अगर आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस में एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का वेट और डाइमेंशंस कम कर लेते हैं तो यहाँ आप काफ़ी अच्छी जो शिपिंग कॉस्ट है उसे सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, आप एक ऐसे प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए जिसका या तो वेट ज़्यादा होता है या फिर उसका डाइमेंशंस ज़्यादा होता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका जो एक डायमेंशन वो कम रहता है लेकिन उनका वेट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ कोई आयरन प्रोडक्ट है या फिर जिमिंग इक्विपमेंट्स है, डंबल्स हैं, तो डंबल्स का जो वेट है यहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा रहने वाला है लेकिन जो उसका डायमेंशन है वो काफी कम रहेगा। तो जो शिपिंग कंपनीज यहां पर चार्ज करने वाली हैं वो वेट के हिसाब से चार्ज करती हैं। उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका डायमेंशन ज्यादा होता है, वेट कम होता है। फॉर एग्जांपल, टेडी बियर की अगर मैं बात करूं, टेडी बियर का जो वेट है वो कंपैरेटिवली काफी कम होता है बट जो उसका डायमेंशन है, वॉल्यूमेट्रिक है, वो काफी ज्यादा होता है। तो यहां जो कंपनी चार्ज करने वाली है, शिपिंग कंपनी चार्ज करती है, वो डायमेंशन के हिसाब से चार्ज करती है। तो अगर आपको शिपिंग कॉस्ट यहां पर बचानी है तो अपने प्रोडक्ट का वेट और डायमेंशन दोनों ही आपको कम करने पड़ेंगे, जितना हो सके यहां पर आपको उसका जो वेट और डायमेंशन दोनों कम करने हैं, जिसकी वजह से जो आपकी शिपिंग कॉस्ट है वो मिनिमम आ सके। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप अपने प्रोडक्ट की जो वेट और डायमेंशन है दोनों को कम कर लेते हैं तो जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला, अगला इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला, वो रहने वाला उसकी पैकिंग का जो मटेरियल है, पैकिंग की जो यूनिट है वो जितनी स्मॉल आप कर सके उतना आपके लिए बेटर रहने वाला है। तो जो हमारा सेकेंड मेथड है उसके अंदर आपको जो पैकिंग का मटेरियल होता है उसको स्टैंडर्डाइज यूनिट में रखना है। उसके अलावा जो आपके पैकिंग मटेरियल है, जो आपका पैकिंग का बॉक्स है, उसको आपको जितना हो सके उतना छोटा बनाना है, कम बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं आपका जो प्रोडक्ट है उसकी 10 यूनिट एक बॉक्सेस के अंदर आती है, तो फ्रेंड्स मेरी एडवाइस आपके लिए है जो बॉक्स है उसको आप स्टैंडर्ड रखें, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में जब बायर आपसे इंक्वायरी करेगा तो वो जो अपने प्रोडक्ट के प्राइस है वो शिपिंग कॉस्ट के साथ जानना चाहता है। तो आप शिपिंग कॉस्ट उसे तभी दे सकते हैं जब आपको पता हो कि अगर मान लीजिए उसने 100 यूनिट आपसे मांगी है तो 100 यूनिट कितने बॉक्सेस के अंदर आपकी आएंगी और वो बॉक्सेस का जो वॉल्यूमेट्रिक है, वो जो बॉक्सेस का वेट है वो कितना रहने वाला है। तो वो सब वेट और वॉल्यूमेट्रिक आपको कैलकुलेट करके जो आपके CHA या फ्रेट फॉरवर्डर है उन्हें आपको बताना होगा, तो वो आपको शिपिंग प्राइस देंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए जरूरी है कि जो आपकी यूनिट है, पैकिंग यूनिट है, वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, एक बॉक्स स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके अंदर कितनी यूनिट्स आते ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, आपका जो बॉक्स होता है वो स्टैंडर्ड नहीं होता और बाद में उसमें वॉल्यूमेट्रिक या उसके जो चार्जेस हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता होगा जो मेरी यूनिट है उसके अंदर अगर 10 पीसेस हमारे आते तो 10 पीसेस में कितना वेट हो जाएगा और कितना वॉल्यूम का वो जो पूरा बॉक्स है वो बनने वाला है। तो मेरी एडवाइस आपके लिए यहां पर ये रहने वाली है, आपकी जो पैकिंग यूनिट है उसको आप स्टैंडर्डाइज रखें, इक्वल रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, और जो पैकिंग मटेरियल है आपका वो छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट के साथ आप यूज करें।
फ्रेंड्स बात करते हैं मेथड नंबर थ्री की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज के टाइम में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, यानी कि एक सिंगल यूनिट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप बल्क एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में जा रहे हैं, सिंगल यूनिट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जहां हमारे नए जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बिकॉज वो देखते हैं कि सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट जो दूसरे कोई एक्सपोर्टर है वो कम प्राइस में देना है और आपके प्राइस कंपेटिवली ज़्यादा है, बिकॉज आप जो शिपिंग कॉस्ट है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स वो क्या रीज़न है जो सेम कंपनी, मान लीजिए अगर आप FedEx से भेज रहे हैं तो FedEx दूसरे जो एक्सपोर्टर हैं उन्हें प्राइस कम दे रही है लेकिन आपको प्राइस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको ज्यादा मिल रहे हैं। फ्रेंड्स कई बार आप क्या होता है जो एजेंट होते हैं उनके थ्रू आप जो अपना मटेरियल है उसे एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी शिपिंग करते हैं, तो यहां मेरी एडवाइस है आपके पास नंबर ऑफ जो कंपनीज है उनका एक नेटवर्क होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, शिपिंग करनी है कोई प्रोडक्ट की, सिंगल यूनिट आप काम कर रहे हैं या फिर आप बाय एयर भेज रहे हैं, तो उसके लिए मेरी एडवाइस आपके लिए है कि आप जो नंबर ऑफ कंपनीज है उनके साथ कॉन्टैक्ट करें और डायरेक्टली उनसे बात करें, डायरेक्टली उनके पास कॉन्टैक्ट करें, उनके साथ अपने जो बिजनेस अकाउंट है उनके जो कंपनीज है वहां पर ओपन करें, जिससे जो आपको एक कंपेटिवली कॉम्पिटेटिव रेट दे सकें। बिकॉज कई बार क्या होता है अगर आप एजेंट के थ्रू काम करते हैं तो वो भी अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड कर लेते हैं और वो आपको सर्विस बेटर नहीं मिल पाती, आपका जो पार्सल है कंसाइनमेंट है काफी लेट हो जाता है, तो आपके पास यहाँ पर काफी कंपनीज का एक नेटवर्क होना चाहिए जिससे आप जो रेट है किसी भी प्रोडक्ट को शिप करने के वो अलग अलग कंपनी से ले सके, जहां पर आपको कॉम्पिटेटिव रेट मिलेगा उसके थ्रू आप अपना पार्सल भेज सकते हैं। तो यहां पर कुछ कंपनीज हैं जो कि जैसे FedEx है, DHL है, UPS है, इंडियन पोस्टल है, इन कंपनीज के साथ आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं जिससे आपकी जो शिपिंग कॉस्ट है काफी कम आपको मिल जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स शिपिंग कॉस्ट पेड करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है प्रीपेड, यानी कि आप जब शिप करेंगे किसी भी पार्सल को तो जो शिपिंग कॉस्ट है वो आप अपनी पॉकेट से देंगे और बाद में या फिर जो टोटल बिल है उसके साथ जो आपका बायर है उससे वो शिपिंग कॉस्ट ले लेंगे। और दूसरा मेथड होता है टू पे, जिसे बोला जाता है, जिसमें जो आपका बायर है जब उसके पास कंसाइनमेंट पहुंचेगा, पार्सल पहुंचेगा, तो वो उस टाइम पर शिपिंग जो कॉस्ट है उसका पेमेंट करेंगे। फ्रेंड्स इन दोनों जो मोड्स हैं शिपिंग कॉस्ट पे करने के, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप प्रीपेड मोड पर काम करते हैं तो कंपेटिवली आपको जो कॉस्ट है वो काफी कम पड़ने वाले, बिकॉज कंपनी को एश्योरेंस हो जाती है, उसको एडवांस पेमेंट मिल जाती है अपने शिपिंग चार्जेस की, जिसकी वजह से जो वो चार्जेस है, एडिशनल चार्जेस है, वो आपके शिपिंग जो कॉस्ट है उसमें नहीं ऐड करते। बट अगर आप टू पे काम करते हो, इसका मतलब ये है कि जो आपका बायर है जब उसके पास गुड्स पहुंचेगा तब वो पेमेंट करेंगे, तो यहां पर शिपिंग कॉस्ट आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगी, बिकॉज कंपनी यहां पर जो चार्जेस है, एडिशनल चार्जेस है, टू पे चार्जेस है, वो ऐड कर देती है, जिसकी वजह से शिपिंग कॉस्ट है वो ज्यादा जाती है। तो यहां पर आपको जो चार्जेस है वो प्रीपेड बेसिस पे काम करना है, जिसकी वजह से आप अपनी यहां पर शिपिंग कॉस्ट बचा सकते हैं, बिकॉज अगर आप टू पे के बेसिस पे काम करते हो तो यहां पर कुछ परसेंटेज आपकी जो एडिशनल कॉस्ट है वो आपको बियर करनी पड़ जाएगी आपके शिपिंग कॉस्ट के अंदर। तो इट्स एडवाइजेबल कि जब भी आप काम करें प्रीपेड बेसिस पे काम करें, वो अमाउंट आप अपने बायर से रिकवर कर सकते हैं, बायर से ले सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको शिपिंग कॉस्ट में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड और टू पे के बेसिस पे काम करते हैं। फ्रेंड्स मेरा जो फिफ्थ पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है वो है वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेशन। देखिए फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि जो आपके शिपिंग एजेंट्स है, शिपिंग कंपनी है, उसके जो स्टाफ है वो आपको बता देते हैं कि सर आपके जो गुड्स की वॉल्यूमेट्रिक है या फिर जो वेट है वो 100 किलो है, 50 किलो है, लेकिन आप उनकी कैलकुलेशन चेक नहीं करते कि उन्होंने जो वॉल्यूमेट्रिक वेट आपको बताया वो किस बेसिस पे बताया, जो वेट का वो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। कई बार क्या होता है वो यहां पर बोलते हैं कि सर ये 50 किलोग्राम का पार्सल, लेकिन जब आप इन ट्रांजिट में होते हैं, जब उसको आप सेंड आउट कर देते हैं कंपनी को दे देते हैं, फिर आपको पता चलता नहीं कि सर इसमें तो 60 किलोग्राम वेट है या फिर इसमें वॉल्यूमेट्रिक आ रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप अपने जो पैकिंग यूनिट है स्टैंडर्ड रखें, ताकि आपको डेफिनेटली पता हो कि इसमें ज्यादा वेट हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये लोग वॉल्यूमेट्रिक के बेसिस पे कई बार वेट को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहां पर आपको खुद से कैलकुलेशन चेक करनी है कि वॉल्यूमेट्रिक को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वेट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और फ्रेंड्स ये वॉल्यूमेट्रिक की कैलकुलेशन कैसे की जाती है आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो है, वहां पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। उसके अलावा नीचे लिंक भी दे दूंगा जिससे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि वॉल्यूमेट्रिक की जो कैलकुलेशन होती है वो किस बेसिस पे की जाती है। तो फ्रेंड्स आपको वॉल्यूमेट्रिक की जो कैलकुलेशन है, वेट की जो कैलकुलेशन है, प्रॉपर्ली चेक करनी है, बिकॉज कई बार यहां पर डिफरेंस देखने को मिल जाता है जब आप प्रैक्टिकली काम करते हो कि आप जो कैलकुलेट करोगे उसका कुछ आंसर आएगा और ये लोग जो बताते हैं उसका कुछ आंसर आता है। तो यहां पर आप प्रॉपर्ली चेक
करें, उसके बाद ही जो आपका पार्सल है उसे शिपिंग कंपनी को दें, अदरवाइज यहां पर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देखने को काफी मिल जाएगी अगर आप यहां पर कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बिकॉज एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर शिपिंग कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे कि मैं आपसे बता रहा था, अगर शिपिंग कॉस्ट को आपने यहां पर कंट्रोल कर ले तो आप यहां पर प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, एक कॉम्पिटेटिव प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में दे सकते हैं, जिससे आपके जो बायर है आपके पास ज्यादा गुड्स परचेस करने के लिए इंक्वायरी कर सकता है और आपकी कन्वर्जन रेशियो भी यहां पर काफी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहां पर काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, काफी हेल्प ली होगी। उसके अलावा हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।